बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रेहान यासीन और मैं निसार अहमद। एक दफ़ा फिर हम खाने वाले प्रोग्राम के साथ, ये हमारा चौथा प्रोग्राम है, हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और कहते हैं दुनिया गोल है, हम अपने जो तीन काम कर रहे हैं, सेहत, राशन की फरहमी, खाने की फरहमी, उसके बाद फिर दोबारा खाने की फरहमी हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है कि खाना तो रोज़ खिलाना है। जो शख्स बाहर इस वक्त नहीं जा रहा, उसकी तो ज़रूरत तो है बच्चों की, तो लिहाजा खाने का काम तो एक मुसलसल जारी रहने वाला काम है। जी बिल्कुल। इस वक्त ये देखे, गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं लाइन से, और इसमें से मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ाना 50,000 अफराद के लिए खाना जो है इसमें तैयार कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रहा है। अच्छा, हमारे किचन में बैचेस में खाना बनता जाता है, आता जाता है, तकसीम पैक होता है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। फुर्सत के लम्हात हैं, और इस वक्त ये बिरयानी की लजीज खुशबू जो है ये हमारा दिल मोह दे रही है। जब हम यहाँ खड़े रहते हैं और देख से खाना उतर आता है कि उस खुशबू की बात ही और है। जाहिर है यही खाना, ये अच्छा खाना जो हम खाते हैं, जो हमें पसंद है, ये आपकी जानिब से उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो इस वक्त परेशान है। फुर्सत के लम्हात का मुझे आगे ये कहना था आपसे कि वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, फारिग वक्त है, लोग हैं। और ये भी बताइए कि ये जो एक पैकेट इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसमें 70 के बकरे का गोश्त भी शामिल है और ये 90 रुपए का एक पैकेट है। आप जितना चाहें अपनी तरफ से अपने घर वालों के सत्ते के लिए निकालें, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो इस वक्त परेशान है, सत्ता परेशानियों से निजात दिलाता है। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को पेश नज़र हम इस वक्त तीन चीज़ों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले राशन, काफ़ी वाफिर मकदार में हमने ये काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सेहत के हिसाब से, सेहत के लिए भी हम बहुत इसमें लोगों के साथ तआवुन कर रहे हैं। और पक्का पकाया खाना, ये तमाम गरीब आबादियों में जाकर वहाँ घर घर जाके ये दे रहे हैं, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, उन्हें पक्की पकाई चीज़ मिल जाए। इसके साथ साथ हम लोगों से मैं तआवुन कहता हूँ कि वो अपने घरों में रहें, ज़रूरतमंदों तक हम पहुँच रहे हैं, ताकि घर घर ये राशन वगैरह उनको मिल जाए, और लोगों से इल्तिमास है कि वो हमारे साथ तआवुन करें। मैसेज यही है कि घरों में रहें और महफूज रहेंगे, इस तरीके से ये वायरस नहीं फैलेगा, और हमारे लिए दुआ कीजिए। आखिर में हम आपसे एक बार फिर ये कहेंगे कि इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। हम आबादियों में जा रहे हैं, और जो लोग देना चाहें, हमें डोनेट करना चाहें, वो हमें डोनेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सबके लिए दुआ भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।